हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति ब्रेजा के बारे में। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार है उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करता है इसके डिज़ाइन के बारे में। तो इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको नई क्रोम फ्रंट ग्रिल मिलेगी जो कि काफ़ी बेहतर नज़र आती है। इसके अलावा इसमें आपको LED हेड रैम, पार्किंग लाइट के साथ में हेलोजन प्रोजेक्ट हेड रैम, बॉडी कलर्ड बम्पर देखने को मिलते हैं, ब्रेक, स्कीड प्लेट, गार्निश और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसके अलावा 16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसमें गाड़ी में देखने को मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में ज़्यादा कोई खास बदलाव नहीं किए हैं, जबकि इसके पीछे नई LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं जो कि इस बार काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा रूफ माउंट, स्पॉइलर बूट पर क्रोम स्ट्रिप और LED हाई माउंट स्टॉप रैंप जैसे फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो बाहर की तरफ कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। और बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो नई विक्टोरिया ब्रेजा के इंटीरियर में भी बहुत कुछ ज़्यादा नया पर नहीं है। डैशबोर्ड को लेआउट पहले जैसा ही है, लेकिन कुछ फीचर आपको इसमें नए देखने को मिल जाते हैं। रियर सीट में आपको आर्मरेस्ट की सुविधा मिलती है और 2 कप रखने की जगह भी इसमें दी गई है। इसमें आपको टच स्क्रीन सम्राट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि आपको ऐप पर कार प्रे और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें आपको स्लाइडिंग फ्रंट आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी बेहतर दिया गया है, 5 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। हमारे हिसाब से नई विक्टोरिया ब्रेजा के इंटीरियर को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, खासकर इसका जो डैशबोर्ड है उसकी जो प्राइस की क्वालिटी है उसको थोड़ा सॉफ्ट टच देके इसके जो इंटीरियर है उसको और गार्निश किया जा सकता था। और बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो सेफ्टी इसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में ABD दिया गया है। और इसके साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्राइवर और को ड्राइवर सीट बेल्ट जैसे अहम सेफ्टी फीचर इसमें दिए गए हैं। और बात करें इसकी डायमेंशन के बारे में, तो इसका दो रमाई दी गई है वो आपको 3999 mm की दी गई है। चौड़ाई आपको 1790 mm दी गई है। इसकी तो ऊंचाई है वो 1640 mm दी गई है। और आपको इसका 3500 mm का वेयर बेस मिलेगा। और इसकी बात करें इसके वेट के बारे में, तो 1110 से लेकर 1130 kg का इसका टोटल वेट है। और 48 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक दिया गया है। और इसका जो तो टर्निंग रेडियंस है वो 5.2 meters है, तो काफ़ी अच्छा है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके ईंधन परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको BS6 1462 cc का 4 सिलेंडर का ईंधन दिया गया है जो कि आपको 6000 RPM पर 77 PS की पावर देगा और 4400 RPM पर आपको 138 mm का टॉर्क देगा। और बात करते हैं कीमत के बारे में, तो ब्रेजा का काफ़ी वेरिएंट है। तो सबसे बात करता हूँ मैं RX i के बारे में, तो इसकी आपकी प्राइस है 7,34,000 रुपये, VX i की प्राइस है 8,35,000 रुपये, ZX i की प्राइस है 9,10,000 रुपये, ZX i प्लस की प्राइस है 9,75,000 रुपये। और अब बात करते हैं VX i ATV सम्राट हाइब्रिड की, तो इसकी प्राइस है 9,75,000 रुपये। तो कुल मिला के ये थी विक्टोरिया ब्रेजा डीजल वेरिएंट में। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।